कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज की व्लॉगिंग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 11 और मैंने अभी जस्ट नुआ को सुलाया है क्योंकि नुआ के साथ मैं लगी पड़ी थी। उसके पीछे पीछे आप लोग ने क्लिपिंग्स थोड़ी सी देख ली होगी आगे, एंड आई वॉज एंटरटेनिंग हिम, आई वॉज यू नो विथ हिम। और क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दूंगी ना तो वो फिर नीचे इलेक्ट्रिक्स पे हाथ डालेगा और उसकी स्पेशलिस्ट की दीदी को तंग करेगा, आईपैड गिराएगा। सो आई हैव टू बी विथ हिम थ्रू आउट वेन एवर डेविना इज इन हर क्लास, सो बिल्कुल टाइम ही मिलता है। सो इट्स बिन फ्यू डेज मैं नाश्ता नहीं कर पा रही हूँ। मुझे 10:30 बज जाता है, फिर मुझे लगता है कि अब क्या ही नाश्ता करना, लंच की तैयारी कर लेते हैं। आप लोग समझ सकते होंगे जो लोग अकेले यू नो विदाउट एनी एल्डर्स, इफ़ यू आर स्टेइंग एंड इफ़ यू हैव अ बेबी टू टेक केयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रूटीन। इसीलिए ना मैं डेली व्लॉग्स भी नहीं कर पाती। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ और आप लोग से बातचीत करूँ और दिखाऊँ कि मैं डे टू डे लाइफ में क्या कर रही हूँ, बट बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई दिन हो गए थे, देन आज मैंने सोचा कि यू नो आज व्लॉगिंग करना बनता है। तो मैंने अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैंने नुआ को सुलाया है और डेविना अपने क्लास से थोड़ा सा फ्री होके, ये देखिए बच्चे। सो यस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। अभी कुछ दिन पहले ही हमने खाया था कढ़ी चावल, अगेन हमें खाने की क्रेविंग हुई। ये दही मैंने जमा रखी थी, सो आपसे मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून गाइस। सो ये ले ली है मैंने दही, दही को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ और ये पूरी दही मैं इस्तेमाल करूँगी आज, 1/2 किलो दही। तो मैं आज पूरी दही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ इसको मैं ब्लेंडर की मदद से फटाफट फेंट दूंगी, इससे काम जल्दी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स करके अगेन मैं ब्लेंडर से इसको फेंट दूंगी, इससे बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। यहाँ मैंने फटाफट से हल्दी, जितनी रिक्वायर्ड हल्दी है मैं इसी में डाल देती हूँ, बाकी उसके बाद मैं नहीं डालती ऊपर से। फिर मैंने डाला यहाँ पर गरम मसाला, मेरे पास 2 टाइप के गरम मसाला थे तो मैंने दोनों थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, आप सिंगल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाली है कलर के लिए जो कश्मीरी मिर्च आती है हमारी, ये सिर्फ कलर वाला होता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा तीखा वाला जो है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और एक बार फिर मैं अच्छे से ब्लेंडर से इसको मिक्स करूँगी। तो यहाँ मैंने रख दिया है कुकर, उसमें मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल, उसके साथ में थोड़ा सा मेथी, राई के दाने और जीरा, और इसी के साथ में मैं कड़ी पत्ता और 1 कटी हुई मिर्च मैंने डाल दिया है। और इसके साथ में मैं जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था बेसन और दही का, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, और इसी के साथ में ना मैंने 1 लीटर पानी ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी अनटिल एक बॉयल अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर पकोड़े की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने लिया है 3 बड़ी कटी हुई प्याज, हरा धनिया, और इसके साथ मैंने नमक स्वाद अनुसार ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, ये मैंने थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च भी ऐड कर लिया, और ये जो हल्दी है मैंने ले लिया है। इसके साथ में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन आप धीरे धीरे करके ही डालिएगा। और मैंने इसे जब मिक्स कर दिया है, अब यहाँ पे मैं गरम गरम पकोड़े की तैयारी करने जा रही हूँ। यहाँ मेरे क्रिस्पी जो पकौड़े हैं वो निकल के आ गए हैं। तड़के की तैयारी शुरू कर दी है, मैंने वही ऑयल लिया है, थोड़ा सा कम कर दिया ऑयल। उसमें मैंने डाले हैं राई और मेथी के दाने, 2 सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता ढेर सारा। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा 10 सेकंड्स के लिए सॉटे कर लूँगी। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है फ्रेश। इसको मैं अगेन 10 सेकंड के लिए सॉटे करके, मैंने लंबी कटी हुई 1 प्याज जो है मैंने तड़के के लिए डाल दिया है। प्याज को हमें बहुत नहीं पकाना है, बस इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए। और साथ में मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है। देखिए करी का कलर बहुत सुंदर आया है। और अब हम कर देंगे गैस को बंद
अब इसमें मैं डाल रही हूँ खूब सारा धनिया, मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है। देखिए फाइनल लुक, सो माय कड़ी चावल कड़ी इज ऑल रेडी। तो यहाँ पर फटाफट काम करने के बाद मैं कपड़े तय लगाने आ गई हूँ। ये मेरे कल के कपड़े थे जो मैं तय नहीं लगा पाई थी, और डवीना हु इज़ माई डॉटर, शी इज़ 6.5 ईयर्स ओल्ड, वो मेरी मदद कर रही है। सो मैं नोआ के, अपने और इसके पापा के चारों के कपड़े जो है अलग अलग तय लगा देती हूँ, और वो इस तरह जाकर उनको अपनी अपनी जगहों में रख देती हैं। डवीना को मैं हमेशा ऐसे छोटे छोटे कामों में अपने साथ इंगेज रखती हूँ, जिससे बच्चों को भी प्रैक्टिस हो जाए ये छोटे छोटे काम खुद से करने की, और उनको आदत हो जाए, जिससे उनको बाद में जाकर ये काम ना लगे, बट उनको ये उनका जो है पार्ट लगे। जैसे उनका खेलने का रूटीन होता है, खाने का रूटीन होता है, वैसे ही उनको एक रूटीन सा उनका बन जाए, और काम करने की आदत उनको छोटे से ही लग जाए। और इसी के साथ साथ में मिलके हमने जो माँ बेटी ने काम किया, इससे हमारे देखिए कपड़े भी कितनी जल्दी तय लग गए, और इससे मैं भी फटाफट फ्री हो गई, और हमारा मन भी लग गया, और डवीना को प्रैक्टिस भी हो गई। तो यहाँ आप इंजॉय कीजिए दोनों बच्चों की छोटी छोटी नोक झोंक। यहाँ डवीना अपना खिलौना लेके खेल रही है, बट ये बहुत उसको परेशान करता है, और यहाँ पे ना वो फ्रूटी पी रही थी, और नोआ ने एकदम से खींच ली और उसके मुंह पे इसका स्ट्रॉ लग गया, एंड शी इज़ क्राइंग बट स्टिल ही इज़ इंजॉइंग। और यहाँ पे इसके पापा इसको थ्रेटन कर रहे हैं कि तेरी वीडियो जो है, मैं फ़ोन देखने वाली वीडियो बना कर तेरी मैम को भेज दूँगा, तो ये डरी हुई है बच्चों के साथ। और ऐसे ही नोआ भी अपना वॉकर टाइम है, ये इसका मी टाइम है, एंड ही इज इंजॉइंग टिल द फुलेस्ट टाइम। वेलकम बैक गाइस, और शाम का वक्त है, बस बाहर जा रहे हैं। और डवीना का एक इनविटेशन है जिसके लिए इसको जाना है, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, और हम जा रहे हैं, बर्थडे गर्ल है उसकी गिफ्ट के लिए। सो एक वॉक भी हो जाएगा, एंड दैट इज द लिटिल मंचकिन एंड हिज फादर। सो देखते हैं क्या मिलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी, विल टेक यू अलोंग, स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये बहुत पुरानी दुकान है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्टफ़ होता है इनका। देखिए वाइड रेंज है पूरी की पूरी, बच्चों के टॉयज से लेके, और ये कपड़े इधर बच्चों का, द यंगेस्ट कस्टमर खड़ी है देखना गिफ्ट लेने। तो दोस्तों अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।